हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो के अंदर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर के बारे में आगे बात करेंगे इंडस्ट्रियल वर्कर्स आर सम टाइम रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ डेंजरस इन्वायरमेंट जो इंडस्ट्रियल में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं कर्मचारी होते हैं उनको कभी कभी क्या होता है कि उस डेंजरस इन्वायमेंट में ख़तरनाक जो हमारी मीन्स वहाँ का जो इन्वायमेंट होता है वातावरण जो होता है वो काफ़ी नुकसानदेह होता है उन जगहों पे उन इन्वायमेंट में कभी कभी वर्कर को काम करना पड़ता है टेक्निकल फेलर ड्यू टू एनी लैप्स इन द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट और इन हैंडलिंग ऑफ एजर्डज मटेरियल में लीड टू एक्सीडेंट अगर किसी तरह का टेक्निकल फेलर हो जाए ठीक है टेक्निक में किसी तरह की गड़बड़ हो जाए फेल हो जाए क्योंकि वहाँ पर वह रेगुलर मेंटेनेंस नहीं होती है टेक्निकल इक्विपमेंट की और वहाँ पे उसको इन की तरह जो है हमारे ख़तरनाक सामग्री जो होती है जर मटेरियल्स होते हैं उनको हैंडल किया जा रहा है तो इससे क्या होता है ये एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाती है देर आर सम रिडक्शन मेजर्स विच इट फॉलोड कैन प्रिवेंट अ लार्जे लार्ज स्केल डिज़ास्टर्स कुछ ऐसे रिस्क रिडक्शन हमारे जोखिम कम करने के कुछ उपाय हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं ताकि वो लार्ज बड़े पैमाने पे होने वाले जो भी डिज़ास्टर्स होती हैं बर्बादी होती है उसको वो उस चीज़ से बचा सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम रेजिडेंशल एरिया जो भी हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं उनको उस जगह से दूर हमारे घरों जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया होता है जहाँ लोग रहते हैं उस एरिया से काफ़ी दूर रहना चाहिए पीपल लिविंग नियर द इंडस्ट्रियल एरिया जो लोग रहते भी हैं इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास शुड बी अवेयर ऑफ द हैजर्डियस मटेरियल उनको उस बारे में जागरूकता होनी चाहिए उन लोगों को उस बारे में पता होना चाहिए कि उस फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसे ख़तरनाक पदार्थ हैं मटेरियल्स हैं हैंडल्ड इन दीज इंडस्ट्री इस इंडस्ट्रीज के द्वारा वो सारे हैंडल किए जाते हैं एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस इन केस ऑफ एक्सीडेंट उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर इन केस कोई एक्सीडेंट होता है तो ह्यूमन पे क्या उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा इम्प्रूविंग द फायर वार्निंग सिस्टम वहाँ पे फायर वार्निंग सिस्टम इम्प्रूव करनी चाहिए फायर लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए ये सब अच्छे से उसको इम्प्रूव करना चाहिए इम्प्रूविंग पॉल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ जो पॉल्यूशन के द्वारा डिस्पर्स होता है फैलता है उसको इम्प्रूव करना चाहिए लिमिटिंग टॉक्सिक स्टोरेज कैपेसिटी वहाँ पे लिमिट में ही एक टॉक्सिक जो हमारे खराब स्टोरेज uh, के uh, जो जहर होते हैं उस, उन लोगों को लिमिट मात्रा में ही स्टोरेज करने की कैपेसिटी होनी चाहिए और विद इन द इंडस्ट्री इंडस्ट्री के अंदर देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज किस तरीके से हम कुछ मेजर इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्री आयरन और स्टील इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आई टी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो वर्ल्ड में मेजर इंडस्ट्री मानी जाती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन जर्मनी ये सब कहाँ पे लोकेट करती हैं हमारे जर्मनी में यू में चाइना में जापान में और रशिया में इंडिया के, के जा है, है. In इंडिया के अंदर क्या है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेस्ड इज़ फाउंड एट छोटा नागपुर प्लेटू ये हमारे छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर लोके फाउंड है खोजा जाता है विच इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्स जो वो मिनरल रिसोर्स से काफ़ी भरपूर है रिच है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन इंडिया इंडिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड करता है इंडिया के अंदर करता है हॉन्ग के अंदर करता है साउथ कोरिया और जापान और ताइवान के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लोकेट करती है द सिलिकॉन वैली ऑफ जो हमारी सिलिकॉन वैली है सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बंगलेरू रीजन ऑफ इंडिया आर द मेज़र हब्स ऑफ इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्रीज जो हमारी सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बंगलेरू रीजन ऑफ इंडिया ये दोनों जो हैं हमारी मेज़र हब हैं कहाँ की आईटी इंडस्ट्रीज़ की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रीज़ की ठीक है एमरजिंग इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज़ जो भी आज हमारी एमरजिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम अपनी उगती हुई उद्योग कहते हैं सनराइज़ इंडस्ट्रीज़ कहते हैं एंड इंक्लूड ये इंक्लूड करती हैं आई टी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को वेलनेस को हॉस्पिटैलिटी और नॉलेज को भी ठीक है The next topic is our in iron and steel industries iron or steel industries की बारे में तो iron and steel industries comprises a various input process and output and it is a mineral based industries iron industries क्या है ये हमारी इं शामिल करती हैं comprises करती हैं कई सारे inputs को means जो हम input लगाते हैं process को साथ साथ outputs को एंड इट इज़ अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और ये हमारी खनिज आधारित उद्योग होती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं इनपुट इन दीज इंडस्ट्रीज़ इंक्लूड्स इस तरह के इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी इनपुट होता है वो क्या होता है रॉ मटेरियल होता है जो कि हमारा रॉ मटेरियल क्या होता है आयरन और और लाइम स्टोन्स मीन्स जिसको हम चूना पत्थर कहते हैं लेबर कैपिटल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे लेबर्स होते हैं कैपिटल होता है और भी जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो द प्रोसेसिंग आयरन और जो आयरन और होता है उसको प्रोसेस करना उसको कन्वर्ट करना स्टील स्टील में बाय अंडर गोइंग डिफरेंट स्टेज मीन्स के अलग अलग स्टेजेस से होने के बाद जाकर वो क्या होता है स्टील में कन्वर्ट होता है लाइक like, कौन कौन से स्टेज होते हैं स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग स्मेल्ट करना मेल्ट करना फिर उसको रिफाइन करना द प्रोसेस थ्रू विच मेटल आर एक्सट्रेटेड एक्सट्रेक्टेड फ्राम देयर ओर्स वो प्रोसेस वो तरीका जिससे हम मेटल्स को क्या करते हैं निकालते हैं निष्कर्ष करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे ओर से बाई हीटिंग बियंड देयर जो जब उसको हीट किया जाता है और उसको बीन्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट उसके मेल्टिंग uh, पॉइंट से बढ़ करके इज़ नोन एज स्मेल्टिंग तब उसको हम स्मेल्टिंग कहते हैं एंड आउटपुट रिजल्ट ऑप्टेन इन द स्टील फिर हमको क्या आउटपुट मिलता है स्टील रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है स्टील मिलता है उससे जलने और पिघलने के बाद स्टील इज़ द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री जो स्टील होता है वो क्या है आज के समय में बैकबोन है किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री का जैसे कि आपके शरीर में बैकबोन है ना आपके लिए सपोर्ट सिस्टम कि आप चलोगे कैसे उठोगे कैसे बैठोगे कैसे सब कुछ क्या है बैकबोन पे डिपेंड करता है तो उसी तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्री का भी स्टील जो होता है वो बैकबोन होता है एंड इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल इसको कच्चे माल की तरह यूज़ किया जाता है फॉर ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज सभी इंडस्ट्रीज़ के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल की जो मौजूदगी होती है और साथ साथ चीप लेबर होना ट्रांसपोर्ट इजीली होना मार्केट वे अ फ्यू एडवाडवाटेज वो मार्केट जहाँ पर कुछ एडवांटेज हो दैट हेल्प द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये सब क्या करती हैं हेल्प करती हैं ये सारे फैक्टर क्या हैं वो हेल्प करते हैं हमारे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए टू डेवलप इन इंडिया ताकि वो इंडिया के अंदर डेवलप हो सकें दे नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर इन इंडिया आर हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टील के प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं उनके बारे में बुरनपुर दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल ठीक है बुरनपुर और बर्नपुर और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के अंदर बोकारो एंड जमशेदपुर इन झारखंड बिलाई एंड छत्तीसगढ़ और रोकर आ, रोर किला इन उड़ीसा ये चारों जो हैं हमारे इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो हमारी स्टील को प्रोड्यूस करती हैं टिस्को के नाम से जानी जाती हैं ये है वॉज द फर्स्ट मेजर ये पहली मेजर स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है जो कि सेटअप की गई थी नाइनटीन सेवन में नाइनटीन सेवन के अंदर जमशेदपुर इंडिया में द मेजर स्टील इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड जर्मनी ज़्यादातर मेजर स्टील इंडस्ट्रीज जो उद्योग हैं वो कहाँ लोकेट हैं जर्म जर्मनी में यूएसए में चाइना में जापान में और रसिया में इंडिया स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम वन मिलियन टन ऑफ इंडिया के अंदर जो स्टील प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ फ्रॉम वन मिलियन टन नाइनटीन फोर्टी सेवन में और थर्टी मिलियन टन दो हज़ार दो में पिट्सबर्ग इन द यूएसए जो यूएसए के अंदर पिट्सबर्ग है वो इज़ एन इंपोर्टेंट इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी इसको इंपोर्टेंट स्टील सिटी कहा जाता है एंड ऑल्सो हैज़ अ मैनी अदर फैक्ट्रीज यहाँ पे बहुत अदर जो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं किसके अलावा स्टील स्टील के फैक्ट्रीज के अलावा दैट यूज स्टील एज अ रॉ मटेरियल जो कि स्टील को यूज करती है कच्चे माल की तरह देन आता है हमारा कॉटन इंडस्ट्री ठीक है द वर्ड टेक्सटाइल इज डिराइव जो भी वर्ड टेक्सटाइल होता है वो डिराइव किया गया है फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टेक्स्र मीनिंग अ वी जिसका मतलब होता है वीव करना कपड़ा बुनना बुनना ठीक है इसका मतलब क्या होता है वीव करना मीन्स बुनना फ़ाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ द टेक्सटाइल जो फ़ाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं कच्चा माल होते हैं किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एंड कैन बी नेचुरल और मैन मेड ये या तो नेचुरल होंगे या तो फिर मैन मेड होंगे क्या फ़ाइबर्स हमारे ठीक है और इसी को हम रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर नेचुरल फ़ाइबर्स आर ऑबटेन फ्राम वुल सिल्क कॉटन लाइनन एंड जूट वाइल मैन मेड फाइबर इंक्लूड्स नाइलॉन पॉलिसटर एक्लिक एंड रेयन जो हमारा नेचुरल फाइबर्स होता है वो हमें कहाँ से मिलता है वुल से सिल्क से कॉटन से लाइनिंग से या फिर जूट से पर जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं नाइलोन पॉलिस्टर आर्कलिक और रेयन ठीक है बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे इंडस्ट्रियल में रेवोल्यूशन आया चेंज आया ठीक है कॉटन क्लॉथ वॉज मेड जो हमारे कॉटन के कपड़े होते थे वो बनते थे विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग व्हील स्पिनिंग व्हील में आप देखे होंगे जो व्हील होता है उसको स्पिन करके बुनाई होती है तो उसका हेल्प से क्या किया जाता है उसको लूम के नाम से जाना जाता है व्हील एंड लूम उसके हेल्प से पहले कॉटन का क्लॉथ बनाया जाता था जब तक कि इंडस्ट्रियल का रेवोल्यूशन नहीं आया था चेंजेस नहीं आए थे यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक और हैंड स्पिनिंग हाथ से चलने वाली स्पिन करने वाली टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टड विध द मेकनाइजेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मशीन लाने से मेकनाइजेशन से एंड कॉटन गेंद कॉटन गिन से वन ऑफ द की इन्वेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये सबसे बड़ा एक की था चाबी था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इन्वेंट करने का इन्वेंशन लाने का उसको कम इन द लेट एटीन ये आया था कब इन द लेट एटीनथ में कॉटन गिन इज़ अ मशीन एक कॉटन गिन क्या थी एक मशीन थी दैट क्विक एंड ईजी सेपरेट ये क्या करता था तेजी से और आसानी से सेपरेट कर लेता था किसको अलग अलग कर लेता था कॉटन फाइबर फ्रॉम देयर शीट शीट से कॉटन फाइबर को अलग कर देता था हैंस इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव जो जिससे क्या होता था कि प्रोडक्टिविटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती थी ग्रेट ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अ पावर लूम हमारी पहली ऐसी कंट्री थी जहाँ पे पावर लूम था वो कौन थी ग्रेट ब्रिटेन ठीक है मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर प्रेजेंट इन इंडिया जो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो प्रेजेंट है कहाँ पे इंडिया में हॉन्गक में साउथ कोरिया के अंदर इन इंडिया द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वॉज सेटअप इन 1818 इंडिया के अंदर पहला टेक्सटाइल मिल लगा था कब 1818 में एट फोर्ट ग्लोस्टर नियर कोलकाता कोलकाता के पास कोई फोर्ट क्लोस्टर था वहाँ पर बट वॉज अनसक्सेसफुल जो कि अनसक्सेस हो गया चला नहीं एंड हैड टू बी क्लोज डाउन इसको बंद करना पड़ा था द फस्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल वॉज़ एस्टैब्लिश इन मुंबई पहला सक्सेसफुल जो टेक्सटाइल मिल हमारा आ, हुआ वो कहाँ पर बना था मुंबई के अंदर एटीन फिफ्टी फ़ोर के अंदर मुंबई इन महाराष्ट्र इज़ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर मुंबई इन महाराष्ट्र महाराष्ट्र में मुंबई जो था वो हमारा लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी था इंडिया में फॉलोड बाय अहमदाबाद इन गुजरात जो कि फॉलो किया गया अहमदाबाद गुजरात में भी अबाउट वन थर्ड एक तिहाई जो था टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री का वो एक्सपोर्ट करता था एक तिहाई भाग द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इंडिया टेक्सटाइल जो सबसे बड़ा बिगेस्ट इम्पोर्टर था मीन्स मंगाने का इंडिया टेक्सटाइल इज द यू एस ए यू एस ए मंगाता था इनिशियली द कॉटन मिल वर्क कंसनट्रेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इससे क्या हुआ कि जो कॉटन मिल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा केंद्रित हो गई कंसनट्रेट हो गई इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र महाराष्ट्र के अंदर गुजरात के अंदर ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेट क्योंकि वहाँ पे उनके मुताबिक का क्लाइमेट था बट नाउ द इंडस्ट्री हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट पर अब क्या था कि जो भी उद्योग थे इंडस्ट्रीज थी वो क्या हो गई फैल गई स्प्रेड हो गई अदर पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर जैसे कौन कौन सी कॉम्बटोर कानपुर चेन्नई कोलकाता लुधियाना पुडुचेरी और पानीपत के अंदर फैल गई इजी एवेलेबल ईजी एवेलेबल ऑफ़ रॉ मटेरियल सुटेबल क्लाइमेट फ्लैट ट्रेन एंड ईजी एक्सेस रॉ मटेरियल सुटेबल क्लाइमेट मीन्स की इजिली जो है वहाँ पे कच्चा माल जो है वो अवेलेबल हो जाता था और वो सुटेबल क्लाइमेट थी और फ्लैट ट्रेन मीन्स की वहाँ का जो जगह था वो काफ़ी ज्यादा उसके लिए सुटेबल था एंड ईजी एक्सेस टू स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर वहाँ पर ईजी जो है वो काफ़ी ज्यादा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर पर मिल जाते थे फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात जो जहाँ उस गुज, वो गुजरात का स्टेट जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी थी एंड द नेबरिंग स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और जो हमारे महाराष्ट्र के पड़ोसी वाले स्टेट थे वहाँ पे रिजल्टड इन द रेपिड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री इससे क्या हुआ कि जो है तेज़ी से इंडस्ट्री का जो है वो एक्सपेंशन होने लगा बढ़ने लगा इंडस्ट्रीज उस रीजन के अंदर उस क्षेत्र के अंदर अहमदाबाद इज़ ऑल्सो नोन एज मैन चस्टर ऑफ इंडिया इसको अहमदाबाद को जो है वो वहाँ पे मैंचेस्टर ऑफ इंडिया भी के नाम से जाना जाता था द पोर्ट सिटी ऑफ ओसाका जो ओसाका की पोर्ट सिटी थी नोन एज अ मैंचेस्टर ऑफ जापान उसको हम मैंचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जानते थे इज़ द हब ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन जापान ये क्या था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का यहाँ पे हब था ठीक है बहुत ज़्यादा ढेर सारे हो जाते हैं तो उनको हब कहा जाता है देन आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आई टी आई टी आई टी इज़ द स्टडी डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम आई टी क्या है आई टी क्या है एक स्टडी है ठीक है ये स्टडी है और डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेशन है मीन्स कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का जब हम उसका स्टडी करते हैं या डिज़ाइन देखते हैं उसके द्वारा डिज़ाइन करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं ठीक है थीके? हमारे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम को तो उसको हम क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट डील्स विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इसको ये डील करता है टेक्नोलॉजी के यूज़ से द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू मैनेज ताकि वो मैनेज कर सके और प्रोसेस कर सके इंफॉर्मेशन को इट एनेबल द कन्वर्जन ये साथ साथ क्या करता है कन्वर्जन करता है ट्रांसमिशन करता है स्टोरेज भी करता है और रिट्राइवल ऑफ डेटा तो ये सारी चीज़ें वो करने में हमारा आई हेल्प करता है सिलिकॉन चिप कंजिस्ट ऑफ सिलिकॉन जो सिलिकॉन चिप्स होती हैं वो सिलिकॉन को कंजिस्ट करती हैं उसके अंदर सिलिकॉन पाया जाता है विच इज़ सेमी कंडक्टर वो एक सेमी कंडक्टर होता है एंड आर यूज इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट की तरह यूज़ किया जाता है अ मेजर हब ऑफ आईटी इंडस्ट्री जो ज़्यादा मेजर हब है हमारी आईटी इंडस्ट्री का आर सिलिकॉन वैली इन कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया के अंदर सिलिकॉन वैली है और बंगलेरु इन इंडिया इंडिया के अंदर बेंगलैरू बंगलैरू इज़ ऑल्सो नोन एज सिलिकॉन प्ले, प्लेटो सिलिकॉन प्लेटू के नाम से बंगलारू को भी जाना जाता है आईटी हब इन मेट्रो मेट्रोपॉलिटन सेंटर ऑफ इंडिया आईटी का जो हब है वो मेट्रोपॉलिटन सेंटर इंडिया के अंदर है आर, इन, और मुंबई न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन सेंटर ऑफ इंडिया कौन कौन से हमारी मुंबई न्यू दिल्ली हैदराबाद और चेन्नई आईटी सेक्टर प्रोवाइड जॉब्स टू मैक्सिमम पॉपुलेशन इन सर्विस सेक्टर आईटी जो सेक्टर है हमारी वो जॉब्स प्रोवाइड करती है मैक्सिमम पॉपुलेशन को मीनस की ज़्यादातर आबादी को सर्विस सेक्टर के अंदर इंडियन आईटी इंजीनियर जो हमारे इंडियन के अंदर आईटी इंजीनियर और टेक्नोलॉजिकल है इस कंसीडर्ड टू बी अ बेस्ट अमॉन्ग द वर्ल्ड वो उनको हम बेस्ट माना जाता है वर्ल्ड के अंदर पूरे इंडिया के अंदर जितने भी आईटी इंजीनियर टेक्नोलॉजिकल मिलते हैं वो सब द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया जो हमारी पहली स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर टू अनाउंस उसने अनाउंस किया था आईटी के पॉलिसीज़ को बस कर्नाटका कर्नाटका के अंदर इन नाइनटीन में टू थैंक यू सो मच ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है अगर आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होंगी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच